আমি তাহলে ঝাড় দিয়ে দিচ্ছি। बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद इकराम आज एक और स्पेशल केस के साथ। ये केस मुझे प्रेजेंट हुआ कल। इस केस की हिस्ट्री ये है कि ये कल से रेड यूरिन पास कर रही है, डार्क ब्राउन कलर का यूरिन। और इसका टेम्परेचर जब मैंने आके चेक किया, इसका टेम्परेचर था 104.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ऑफ फीड थी, कॉन्स्टिपेशन थी, और 3 मंथ इसको प्रेगनेंसी है। तो अब ये जो डार्क यूरिन रेड कलर का पास कर रही है, इसमें हमारे पास जो ऑप्शन होते हैं 2 किस्म के होते हैं। एक होते हैं कॉजेज, जिस जो वजूहात होती हैं या इटियालॉजिकल एजेंट होते हैं। एक होता है इन्फेक्शियस काज और दूसरा होता है नॉन इन्फेक्शियस काज। अब इन्फेक्शियस काज को कैटेगराइज करें तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है टेक फीवर। टेक फीवर में बेबीजियोसिस फिलेरियोसिस की वजह से जानवर रेड यूरिन पास करता है, जानवर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, स्पेशली बेबीजियोसिस में 104, 105, 106 पे पहुंच जाता है। इसके अलावा थिलेरियोसिस में भी पेल म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं, टेम्परेचर 106 से डाउन नहीं होता, वो एंड स्टेज पे थिलेरिया की जाके जानवर रेड यूरिन पास करना शुरू हो जाता है। और तीसरी जो इन्फेक्शियस काज है वो है क्लास्ट्रीडियम हीमोलिटिकम, जिसको बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया भी कहते हैं। उसमें टेम्परेचर जानवर का 104, 103 पे रहता है। और ये इसकी वजह मैं आपको पहले अर्ज कर चुका कि क्लास्ट्रीडियम हीमोलिटिकम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, वो आरबीसीज की हिमालिसिस करता है, तो उसकी वजह से भी जानवर का टेम्परेचर हाई हो जाता है। और उस केस में क्लास्ट्रीडियम हीमोलिटिकम की वजह से जानवर को कॉन्स्टिपेशन बहुत ही कम होती है। तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस जो है हमारे पास पेंसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन का कम्बिनेशन जो है बेस्ट रहता है, वो यूज़ करते हैं। बेबीजियोसिस में हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के तौर पे इमिजोल या इमिडॉक्स आ रहा है गाजी ब्रदर का, वो आपने लार्ज एनिमल को लगाना होता है 7 ml से 10 ml। अच्छा, अगर आप इमिजोल लगा रहे हैं तो उसमें आपने एक्सट्रीम केयर करनी होती है, उसकी वजह से जानवर को रिएक्शन भी हो सकता है। तो रिएक्शन से बचाने के लिए आपने 10 से 15 मिनट पहले आपने एट्रोपिन सल्फेट 20 ml लगा देना है, ताकि रिएक्शन से जानवर बच सके जब आप इमिजोल लगा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जो आपको मैंने कैटेगराइज करके दी हैं वो इन्फेक्शियस काजेज में आ जाती हैं। और सेकेंडली जो नॉन इन्फेक्शियस काजेज हैं उसमें सबसे पहले जो है वो है फास्फोरस डेफिशिएंसी। फास्फोरस डेफिशिएंसी की पैथोफिजियोलॉजी क्या है? क्योंकि हमारे जो सेल मेम्ब्रेन्स, हर सेल की मेम्ब्रेन है वो फास्फोलिपिड से बनी होती है। जब फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाती है तो सेल की मेम्ब्रेन फ्रेजाइल हो जाती है, और ऑस्मोटिक फ्रेजाइलिटी की वजह से आरबीसीज की हिमालिसिस होना शुरू हो जाती है। और जानवर जब आरबीसीज की हिमालय से शुरू हो जाती है, हीमोग्लोबिन जो है वो थ्रू यूरिन पास होता है और यूरिन का कलर रेड आना शुरू हो जाता है। ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है फास्फोरस डेफिशिएंसी की। और दूसरा, अगर हम जानवर को कैल्शियम और फास्फोरस बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, उसकी रेशियो जो है बॉडी में डिस्टर्ब हो, तो गट में जो है फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन हैम्पर होती है, उसकी वजह से जो फास्फोरस की डेफिशिएंसी है उसकी वजह से भी रेड वाटर के केसेस सामने आना शुरू हो जाते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ नॉन इन्फेक्शियस काजेज। और इसमें जानवर का शुरू में टेम्परेचर थोड़ा सा, फिर जानवर का टेम्परेचर हाई होना शुरू हो जाता है, फास्फोरस डेफिशिएंसी की वजह से डाउन होना शुरू हो जाता है, जानवर को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाती है ड्यू टू एनीमिया, पेल म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाती हैं, और जानवर शेलो ब्रीदिंग, क्योंकि आरबीसीज का काम है बॉडी के हर सेल की तरफ ऑक्सीजन लेकर जाना। जब आरबीसीज की कमी होती है अल्टीमेटली ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जानवर उखड़ के सांस लेता है, शेलो और डीप ब्रीदिंग होती है। तो ये है हाई मोलिब्डिनम। मोलिब्डिनम हाई हो खुराक के अंदर, उसकी वजह से भी आरबीसीज की हिमालिसिस होती है और जानवर को रेड यूरिन आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा
कॉपर डेफिशिएंसी हो सॉयल के अंदर, तो कॉपर डेफिशिएंसी की वजह से भी जानवर के आरबीसीज की लाइसिस होना शुरू हो जाती है और जानवर जो है रेड यूरिन डेफिशिएंसी में करना क्या होता है, आपने सिंपली कॉपर सल्फेट या नीला थोथा लेना होता है 2 ग्राम, उसको आधा किलो दही में मिक्स करके आपने जस्ट 2 दिन पिलाना है। अब आते हैं नॉन इन्फेक्शियस काजेज में फास्फोरस डेफिशिएंसी की वजह से आपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अडॉप्ट क्या करना होता है। अडॉप्ट ये करना होता है, अगर सबसे पहले तो आपने ब्लड टेस्ट करा लिया, उसमें अगर फास्फोरस की डेफिशिएंसी ब्लड में नॉर्मली होती है 5 to 6 फास्फोरस की मिकदार नॉर्मली 5 to 6 मिलीग्राम पर एमएल होती है। अब मैं आपको दिखाऊं, सॉरी बता रहा था कि कॉपर डेफिशिएंसी की वजह से उसकी ट्रीटमेंट बता चुका। अब हाँ, सबसे पहले आपने करना क्या होता है, अगर आपके पास लिबर्टी की फैसिलिटी है आप जानवर का ब्लड टेस्ट कराएं। जानवर का ब्लड टेस्ट करा के नॉर्मली ब्लड के अंदर फास्फोरस की मिकदार होती है 5 to 6 मिलीग्राम पर एम एल। अगर ये मिकदार 2 to 3 मिलीग्राम पर एम एल के हिसाब से हो गई है तो आपने फास्फोरस डेफिशिएंसी की ट्रीटमेंट करनी है। अब ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कैसे अडॉप्ट करना है फास्फोरस डेफिशिएंसी का, आपने डेक्सटोज 2 लीटर लेके उसमें सोडियम एसिड फास्फेट 50 ग्राम ऐड करके आपने स्लो इंट्रावेनस इंजेक्ट करना है 2 लीटर डेक्सटोज 5% लेके। साथ आप बी कम्प्लेक्स ऐड करेंगे 20 ml, साथ आपने न्यू डेका फॉस्फोन आ रहा है एटजॉन कंपनी का, आपने 200 ml एट द सेम टाइम इंजेक्ट कर देना है आईवी। जानवर को आपने इसमें मैं आपको आप बताता चलूँ, जब आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है तो एग्रेसिव ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है, क्योंकि इसमें मॉर्टेलिटी रेट मोर देन 50% हो जाता है ड्यू टू ब्लड लॉस, ड्यू टू एनीमिया, ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। तो अग्रेसिव ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तभी जानवर जो ऑनर का कीमती जानवर है वो आप सेव कर सकेंगे। इसके अलावा जो हाँ फास्फोरस डेफिशिएंसी की मैं ट्रीटमेंट बता रहा था, आपने बी कम्प्लेक्स ऐड कर दिया, फॉस्फान ऐड कर दिया, साथ आपने एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करने होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट में सबसे बेहतरीन जो ड्रग है विटामिन ई सिलीनियम सेलिवेट इंजेक्शन के नाम से ट्रीटमेंट करनी होती है। अगर इन ट्रीटमेंट से जानवर रिकवर सब ट्रीटमेंट से नहीं हो रहा और जानवर के ब्लड टेस्ट में आपने ब्लड टेस्ट कराया पीसीवी लेस देन 17% है तो फिर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ जाएंगे। और एक एडल्ट जानवर को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कम से कम 3 to 6 लीटर आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज करना होता है ताकि आपका कीमती जानवर बच सके। बाकी एक और चीज़ मैं भूल गया कि फास्फोरस डेफिशिएंसी होती है ना एनिमल में, मोस्टली जो बफ और काउ में होती है तो वो होती है 3 to 6 काविंग की एज पे एनिमल्स को होती है फास्फोरस डेफिशिएंसी। और प्रेगनेंसी में जब हो फास्फोरस डेफिशिएंसी या पीपीएच, इसको पीपीएच भी बोलते हैं पोस्ट पार्टोरियन हीमोग्लोबिन यूरिया, लेट लास्ट ट्राइमेस्टर में जाके मतलब 6 मंथ प्रेगनेंसी के बाद जो है वो फास्फोरस डेफिशिएंसी शुरू होती है। तो ये इसका ट्रीटमेंट है, प्रोटोकॉल आपने अडॉप्ट करना है ताकि जो ऑनर का कीमती जानवर है वो आप बचा सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद अस। डेपकी बना ले डेपकी ऊपर उसी में तो ये बड़ा डेपकी ये उन्हें इन्हें छुई मारा ये हवा की थी हड़ी है बरन
लेकिन अगर ब्लड में आपने ब्लड टेस्ट कराया माशाल्लाह तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।